नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा जो 12 पायरी से पाई, उसकी वजह से मेरी स्पॉन्सर के फेलोशिप में आप सब भाई लोग जो हैं, आपकी मदद से आज मैं वो पहला घातक घूंट से दूर हूँ। इसके लिए मैं ऊपर वाले को, मेरे स्पॉन्सर और ए फेलोशिप के सारे सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत कृतज्ञता जी, आप लोग मेरे को ये मौका दिया। स्पॉन्सर की ज़रूरत क्या है, स्पॉन्सर क्यों चाहिए बोल के आज ये टॉपिक शेयर करने के लिए, मेरे अनुभव बांटने के लिए आपने ये मौका दिया। आप सबको फिर से मैं कृतज्ञता पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम लोकेश है, मैं एक शराबी हूँ। ऊपर वाले की कृपा जो 12 कदमों की वजह से पाई, उसकी वजह से, मेरे स्पॉन्सर की वजह से और आप सबकी वजह से आज मैं सोबर हूँ। तो अकेला मेरा, मैं एक बंदा सोबर होने के लिए मेरे को इतने लोगों की ज़रूरत है। एक तरफ ये 12 कदम की ज़रूरत है, और ये 12 कदम क्या है इसको सिखाने के लिए मेरे को एक स्पॉन्सर चाहिए। साथ में आप जो मीटिंग में हैं, हमारे ये फेलोशिप में, आप भी मेरे स्पॉन्सर के हिसाब से ही हैं, क्योंकि आपसे भी मैं हर दिन क्या करना भी सीखता हूँ, क्या नहीं करना भी सीखता हूँ मैं। तो जो मेरे को शराब से दूर रखने और जिंदगी को शराब के बिना चलाने के लिए मदद करें, ये सब मेरे स्पॉन्सर हैं। तो जैसे आज की टॉपिक है कि स्पॉन्सर की जरूरत क्या, ये के अंदर स्पॉन्सर की जरूरत क्यों है, मैं अपने अनुभवों के साथ इसको शेयर करूंगा। तो पहले मेरे को, जब मैं ये के अंदर आया था, आया नहीं, लाया गया, बस लाया गया, एक 27 दिन के ट्रीटमेंट सेंटर में रह के, एक रियाद में रह के, वहाँ पे बैंगलोर में फ्री कैंप चलती हैं। 10 दिन का फ्री कैंप होने के बाद वहाँ पे फिर 17 दिन मैं एक्स्ट्रा रुका था। ये सब होने के बाद ए के अंदर उस जिस दिन मैं डिस्चार्ज हुआ था, उसी शाम को मैं पीने वाला था, उसी शाम को, क्योंकि मेरे बीवी ने मेरे को ले जाके वहां पे भर्ती की थी बोल के, उसके ऊपर फिर से कुन्नस आ गया था मेरे को। लेकिन ऊपर वाले की रहम, मेरे बीवी को जो ये संदेशा मिला था वो उसकी बहन से मिला था। और जो बंदा ए का मैसेज मेरी साली तक पहुंचाया था, वो हमारे ससुर के घर के सामने एक गवर्नमेंट स्कूल है, उस गवर्नमेंट स्कूल का वॉचमैन था वो। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो एक वॉचमैन था, पक्का बेवड़ा था मेरे जैसा। वो आके हमारे दुकान में, यानी कि हमारे ससुर की दुकान में आके, वो हर दिन 1 रुपया 50 पैसे ऐसे उन लोग से मांग कर ले जाता था, इतना ऐसा दारुड़िया था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि लोग देख रहे हैं, अभी वो दारू नहीं पी रहा है और एक अच्छा कपड़ा पे पहन रहा है, साफ सुथरा है, और शाम को पता नहीं कहाँ जाता है, और उसका जिंदगी जो है, जीवन जो है, वो व्यवस्थित होने लगा है। तो इसको देखकर वो अभी नहीं पी रहा है बोल के उसके ऊपर आकर्षित हुए लोग, उनमें से एक मेरी साली थी और मेरा साला था, माई ब्रदर इन लॉ वॉज ऑल्सो देयर। तो इन्होंने उसको बुला के पूछे कि तू अभी क्यों नहीं पी रहा है। तो तब उसने ए का मैसेज दिया था कि ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम है, ऐसा ऐसा ये है बोल के फलाना में पूरा बोला। तो उसके बाद वो लोग, मेरे साथ साला और साली दोनों आके मेरे बीवी को बताए, मेरे बीवी आके मेरे को पकड़ के ले जाके, वो 10 दिन का कैंप में, फ्री कैंप था वो, वहाँ पे डाली थी। ऑलरेडी 3 दिन का कैंप स्टार्ट हो गया था, तो 7वां दिन, सॉरी, चौथा दिन मेरे को वहाँ पे भर्ती किया गया था। उसके बाद एक 20 दिन एक्स्ट्रा हम लोग पेमेंट देके वहीं थे, करीब 2500 रुपये थे, सॉरी 1500 रुपये थे, 1500 रुपीज़ देके
मैं ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो फ्री कैंप ये एक रिहाब वाली करती थी, बोलता हूँ मैं, यानी कि वहाँ के एक वो जो ओनर थी, शी वॉज ऑल्सो एन अल्कोहलिक, शी वॉज सोबर फॉर मोर देन 12 ईयर्स। वो ऑलरेडी 12 साल सोबर थी वो, जिसको हम माँ बोलते थे उसको। सोबर थी और वो हर साल फ्री कैंप चलाती, 10 10 दिन फ्री, जो भी बेवड़े थे उनको लाके डाल देते, 10 दिन वहां पे रख के सेम रिहाब में जैसे करते हैं उसी तरह वो करके उनके बाद उसको मीटिंग दिखा के छोड़ देती थी। तो मैं जिस दिन वहां से निकला था उसी शाम को मेरे को पीने की फिर से सोच आ गई थी, वो ऑब्सेशन वापस आ गई थी। ऑब्सेशन आने की वजह मेरी खुन्नस थी, बीवी के ऊपर खुन्नस थी कि ये साली मेरे को ले जाके वहां फंसा दी गई। लेकिन 27 दिन मैं अंदर जब था, मेरे को बीमारी के बारे में पता चला, मेरे को दारू छोड़ने की इच्छा भी जागृत हो गया था। इसके बावजूद जैसे ही बाहर निकला फिर से मैं वापस आ गया था। लेकिन ऊपर वाले की रहम से उस दिन शाम को एक बंदा आया था, और ये बंदा कौन था, वही वॉचमैन था जिसको मैं पहली बार देख रहा था। वो आके बोला कि वो आके मेरे को बड़ा बड़े भाई नमस्ते बोल के वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके मेरे को ऐसे ही बात करते, आओ चाय पीते हैं बोल के ले गया और साथ में ले जाके चाय पिलाया, सिगरेट पिलाया। फिर ऐसे ही हम लोग वॉक करते चले गए। करीब मेरे ससुर के घर से 1 किलो 1.5 किलोमीटर के अंदर एक मीटिंग है, वहां ले जाके मेरे को मीटिंग में बिठा दिया। और वहां पे जाके वो उस चेयरमैन से कुछ कुसुर पुसुर किया कान में जो मीटिंग चला रहा था। उसके बाद एक आधे घंटे में मेरे को भी बुलाया शेयरिंग करने के लिए। दोस्तों पहला मीटिंग में मेरे को शेयरिंग मिल रहा है, पहला मीटिंग में रिहाब से निकलने के बाद 27 दिन के ट्रीटमेंट से बाद मैं जाता हूँ तो मेरे को उस मीटिंग में शेयर करने की चांस मिलती है। और मैं वहाँ शेयर करता हूँ मैं कैसा पी रहा था, मैं कितना पी रहा था, वो घमंड था मेरे को। वो मीटिंग के अंदर भी मैं सोचा ये साले ये सब बेवड़े कम पिए होंगे, मेरे जैसा कोई पीने वाला इधर नहीं है बोल के मैं अपनी पियक्कड़ का जीवन को मैं अपने दिखा रहा था वहां। चलो कुछ भी ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद मैं वो मीटिंग में अट्रैक्ट हो गया। और वो जो चेयर पर्सन थे उधर, वो उसी टाइम पे 25 साल थे, सोबर थे, ही वॉज एन एल्डर स्टेट्समैन। तो उसके बाद वो मेरे को मिले, बात किए, सब हुआ। उसके तब से मेरे को ए प्रोग्राम के ऊपर आकर्षित हो गया मैं। वहां पे मेरे को एक बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आई कि ये सब मेरे जैसे ही है, अगर मैं इनके साथ में रहूंगा तो। जैसे एक एक बंदा बोल रहा था कि मैं 10 साल सोबर हूँ, मैं 2 साल सोबर हूँ, मैं 18 साल सोबर हूँ, मैं 25 साल सोबर हूँ, ये सब देख के मेरे अंदर भी वो एक आकर्षण आ गई कि मैं भी यहाँ रहूंगा तो मुझे भी ये प्राप्त हो सकता है। तो दिस इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। एंड प्रायर टू माई जर्नी इन हाउ आई वॉज, मैं एक सर्विसमैन हूँ, इंडियन एयरफोर्स में था। शराब की वजह से मेरे को कोर्ट मार्शल करके 28 दिन का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जेल में अंदर कठिन पनिशमेंट होता है, वो पनिशमेंट के साथ में मेरे को 28 दिन का जेल में रह के उसके बाद मेरे को काम से निकाला गया, एयरफोर्स से, इंडियन एयरफोर्स से। मैं इंडियन टीम का नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर था, मेरे को लात मार के निकाला गया, लात मार के निकाला गया। तो ये मेरी शॉर्ट से बोल रहा हूँ। तो ऐसा एक बंदा पिछले करीब 12 साल, अभी दिसंबर आएगा तो मेरा ये दिसंबर में मेरा 12वां साल कंप्लीट होता है। तब से 2008 से आज तक अगर मैं शराब से दूर हूँ तो इसका कारण, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस किया, एक के 12 कदमों की वजह से। और ये 12 कदमों लेने के लिए स्टार्टिंग में मैं भी 6 महीने ड्राई सोबर था, लेकिन तीसरा महीने ही में ही मेरे को फिर से पीने का ताज आ गया था।
एक छोटी सी विषय में पीने की सोच आ गई थी, ऑब्सेशन आ गया था, बहुत भयंकर ऑब्सेशन आ गया था। तब मैंने वो जो ट्रीटमेंट सेंटर में जो रिहाब के अंदर मेरे को काउंसलिंग कर रहे थे, मैं उन्हीं को मेला पहला स्पॉन्सर बनाया था। उनसे पूछा तो वो मान गए, वो मान गए। तो ये जो तीसरा महीने में फिर से मेरे को पीने की वो जो ऑब्सेशन लत आ गई थी, मानसिक लत, उस दिन तो मैं गारंटी पीने वाला था, फिर से खुन्नस, फिर से खुन्नस। लेकिन जैसे ही मीटिंग में हम लोग सुनते हैं टाइम टू कॉल योर स्पॉन्सर इज बिफोर, ये मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, ये सब मैं ऊपर वाले की रहमी कहता हूँ, सोचा ही। तो तुरंत मैंने उनको फोन किया, वो करीब 22 किलोमीटर दूर रहते मेरे से, लेकिन वो करीब 1 घंटे, 45 से 1 घंटे के अंदर वो पहुंच गए, मेरे पास पहुंच गए। और जैसे ही मैं उनके साथ शेयर किया, ये जो मेरी ऑब्सेशन थी वो धीमी 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 कम होते लगी और चला गया, और चला गया। उसके बाद हम लोग मीटिंग गए। तो मेरा तब से लेके आज तक बहुत सी घटनाएं आई हैं, बहुत सी घटनाएं आई हैं जहां मैं पीने वाला था वापस। और इन सब घटनाओं ने सिर्फ मेरे स्पॉन्सर ही मेरे को बचाया है, मेरे स्पॉन्सर ही बचाए। करीब करीब 7 साल तक, स्टार्टिंग के 7 साल तक बहुत से मौके आया है, बहुत से मौके, 12 कदम करने के बावजूद भी मेरे को ये मरने की, यानी कि अभी पीने का नहीं, सुसाइड करने की थॉट आ गए थे। ऐसी हालत में था मैं, ऐसे हालत में था मैं। दोस्तों, आज की जो विषय है, क्यों मेरे को स्पॉन्सर चाहिए, क्यों मेरे को स्पॉन्सर चाहिए बोलता है, तो पहली बात है, स्पॉन्सर बोले तो ये कौन है, ये हु इज द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर इज अ रिकवर्ड अल्कोहलिक बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्सर इज अ रिकवर्ड अल्कोहलिक थ्रू द 12 स्टेप्स प्रोग्राम ऑफ ए एंड प्रैक्टिस द ए प्रिंसिपल्स इन ऑल हिज अफेयर्स, इन ऑल हिज अफेयर्स। तो यही स्पॉन्सर होते हैं। तो द पर्सन शुड हैव हैड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसको आध्यात्मिक जागरणा हुई है, उनको हम स्पॉन्सर बोलते हैं। और स्पॉन्सर SPONSOR जो हम इंग्लिश में लिखते हैं, उसका अर्थ ने भी उन्होंने बताया था मेरे को, स्पॉन्सर का मतलब सोबर पर्सन ऑफरिंग न्यू कमर्स सजेशंस ऑन रिकवरी। जो बंदा सोबर है वो नए बंदे को रिकवरी के सुझाव के बारे में बताते हैं। और ये सुझाव क्या है, हियर आर द सजेस्टेड स्टेप्स, सजेस्टेड स्टेप्स विच वी टुक एज ए प्रोग्राम ऑफ रिकवरी। सजेशंस सजेस्टेड स्टेप्स है जिनके बारे में वो मेरे को बताते हैं। अगर हमारी बिग बुक हम लेंगे तो पहला प्रीफेज में, पहला पेज में ही, उसको जो प्रीफेज बोलते हैं, वहां पे वो बिग बुक में बारे में लिखते हैं कि बिकॉज दिस बुक हैज बिकम द बेसिक टेक्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारी संस्था का प्राथमिक पुस्तक है बोलते हैं, बेसिक, पता नहीं मेरी हिंदी ट्रांसलेशन सही है कि नहीं, बेसिक टेक्स्ट है, विच हैज हेल्प्ड सच लार्ज नंबर्स ऑफ अल्कोहलिक मेन एंड वुमेन टू रिकवरी बोलता है, टू रिकवरी। यानी कि ये एक बेसिक टेक्स्ट बुक है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने के टाइम में हमारे को वो जो टेक्स्ट बुक्स था, इसी तरह ये मेरे जैसे बेवड़े को सुधारने के लिए ये मेरा टेक्स्ट बुक था, हम लोग इसको ग्रंथ भी बोलते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक को मैं खुद पढ़ के समझ नहीं सकता। हाँ, पढ़ सकता हूँ, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ऐसे पढ़ सकता हूँ मैं, और थोड़ी थोड़ी समझ भी सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह जो लेखक ने लिखा है उसको पूरी तरह मैं समझ नहीं पाता हूँ। क्यों क्यों मैं नहीं समझ नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि जैसे वो दूसरा स्टेप में बोलता है, जैसे वो दूसरा स्टेप में बोलता है कि केम टू बिलीव दैट द पावर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी।
सैनिटी का मतलब, सैनिटी का मतलब द इनएबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट बोलता है, सीधा सोचने की शक्ति हमने नहीं है, सीधा टेढ़ा तो सोचने की शक्ति टैंकर भरी हुई है, द इनएबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट बोलता है। अरे मेरे को पढ़ के समझने के में भी मेरे को पावरलेस हूं मैं, पढ़ के समझने में भी जो लिखा है उसको पढ़ के उसका लेखक किस विषय पे लिख रहा है उसका मतलब क्या है ये सोचना भी, ये समझना भी मेरे साथ ना हाथ में नामुमकिन है। तो द इनएबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट, इसीलिए हम लोग स्कूल में जैसे हमारे लिए एक टीचर होते थे, एक टीचर होते थे जो हमको सिखाते थे एक और एक को ऐड करोगे तो दो होगा, ये मैंने खुद नहीं सीखा ना, मैं टेक्स्ट बुक पढ़ते मैं समझा सका, ये बी सी डी इसको मेरे हाथ पकड़ के लिखवाए वो लोग, मेरे हाथ पकड़ के लिखवाए वो लोग, ये बोल के एक स्लेट में लिख के उसके ऊपर चाकपीस देके उसको बोले फिर से डालो उसके ऊपर, फिर से लिख, फिर से लिख बोलते। तो इसी तरह मेरे हाथ पकड़ के जो मेरे को शराब से छुटकारा पाने की तरीका जो है, वो जो तत्व जो है, वो जो सिद्धांत जो है, ये के सिद्धांत जो है, उसको सिखाने वाले मेरे स्पॉन्सर होते हैं। इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग में मेरे को सोबर, सिर्फ सोबर रखने पे ही उनका फोकस रहता है। स्टार्टिंग में सिर्फ मेरे को सोबर रखना ही उनका प्राइमरी पर्पस था, जैसे हमारे प्रियामल में बोलता है, और प्राइमरी पर्पस इज टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर्स टू अचीव सोब्राइटी, तो दूसरों को सोब्राइटी के लिए मदद करना ये हमारी प्राथमिक उद्देश्य है बोलता है, जैसे हमारा प्रियम्बल में बोलता है। तो स्टार्टिंग में यही किए वो, स्टार्टिंग में मेरे को दारू से बचाए वो, ये सब हुआ। तो ये जो बेसिक टेक्स्ट है बोल के मेरा बिग बुक बोरा, इसके लिए मेरे को एक टीचर चाहिए, मैं स्पॉन्सर को अपना टीचर मानता हूं, गुरु बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन गुरु हम लोग उसको रिलीजियस में जोड़ जोड़ देते हैं, गुरु बोलेंगे तो हमको रिलीजन धर्म याद आ जाता है, इसलिए हम लोग उसको टीचर बोलना ही चाहिए। तो अगले आप देखेंगे तो हमारा बिग बुक में ही वो पेज नंबर 14 एंड 15 में बोलता है, If an alcoholic failed to perfect and enlarge his spiritual life through work and self-sacrifice for others, he could not survive the certain trails and the low spots ahead. बोलता है, अगर एक बेवड़ा अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को काम और दूसरों के लिए त्याग करना, वो उसको उसका प्रगति नहीं करेगा, उसमें वो प्रगति नहीं करेगा, वो आगे जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को सामना नहीं कर सकता है, बोल के ये बोलता है। तो परफेक्ट दैट परफेक्ट एंड एनलार्ज बोलता है वो, मेरा आध्यात्मिक जिंदगी को परफेक्ट भी करना है और उसको प्रोग्रेस भी करना है, एनलार्ज भी करना है, वो मैं खुद नहीं कर सकता हूं, और मेरे जैसा बेवड़ा सोचता है कि क्यों नहीं मैं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं करूंगा, फिर से इंसैनिटी वापस आ जाती है, यानी कि सेल्फ रिलायंस, खुद पे निर्भर होना वापस आ जाती है मेरे अंदर, मैं करूंगा ये प्रोग्राम, ये बुक मैं पढ़ूंगा, जैसे उसमें कहा है मैं करूंगा, मेरे को कोई स्पॉन्सर की आवश्यकता नहीं है, अरे मैं तो यहां तक गया था गॉड इज माई स्पॉन्सर बोलने लगा मैं, मीटिंग के अंदर मैं बोला नहीं मैं, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, मेरे को ऊपर वाला ही स्पॉन्सर है, जैसे मैं शेयर करके उतरा तो लास्ट में एक ओल्ड टाइमर ने शेयर किए वहां पर, तो बोल रहे थे कि बेटा अभी तक तू पी रहा था तो बॉटल ऊपर से जाता था नीचे आ रहा था, अगर तुम भगवान को स्पॉन्सर बोल के करोगे प्रोग्राम को
बाटल नीचे से जाके मुंह से आएगा, बोले वो। सब लोग हंस रहे थे। अब उसको मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन वो बाहर आया तो पूछा मैं, वो बोले जब तक तुम दसवां स्टेप नहीं करोगे, दसवां स्टेप में आपकी सैनिटी वापस आती है, तब तक तेरी दिमाग तो जो चलता है वो टेढ़ा ही चलेगा, टेढ़ा ही चलेगा। मेरा भी ऐसा ही चल रहा था, और ऊपर वाला मैं स्पॉन्सर बोल के अपने आप को समर्थन देके खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से प्रोग्राम करने की कोशिश करूंगा, बोले। ये सही था ये। वो 3 महीने के बाद, वो 3 महीने में जो घटना हुई थी, 3 महीने में जो घटना हुई थी, मैं जो आपको शेयर किया था, वो इसी मेरी सेल्फिल रन राइट में, ये के अंदर सोबर होने के बाद भी सेल्फिल रन राइट होता है। तो दोस्तों, अगर मेरे को अनलेस एंड अंटिल आई डोंट परफेक्ट एंड एनलार्ज माय स्पिरिचुअल लाइफ, मैं वो जिंदगी आने वाले परिस्थितियों को मैं सामना नहीं कर सकता हूँ। अभी आप स्पॉन्सर की जरूरत को देखेंगे तो हमारी लिटरेचर्स में बहुत सारा लिखा है। खास करके मैं आपको 12 and 12 में वो पेज नंबर 60 में एक जगह पे लिखा है, अगर किसी के पास हो तो आप लेके उसमें देख सकते हैं। तो सेकंड पारा में कुछ है, आध्यात्मिक मामलों में अकेला चलना खतरनाक है, बोलता है वो, खतरनाक है बोलता है, क्योंकि हम लोग इसको आध्यात्मिक कार्यक्रम बोलते हैं। तो मैं अगर ये आध्यात्मिक कार्यक्रम मैं अकेला करूंगा तो ये बहुत खतरनाक है, बोलता है वो। Going it alone in spiritual matters is dangerous, बोलता है इंग्लिश में, पेज नंबर 60 में ही बोलता है वो। क्यों खतरनाक है? क्योंकि मैं सीधा सोच नहीं सकता हूं, मैं मानसिक तौर से मैं बीमार हूं। एक बीमार दिमाग मेरी बीमारी को थोड़ी ठीक कर सकता है। मैं खुद मेरी खुद की बीमारी को मेरी खुद की बीमार दिमाग से मैं ठीक नहीं कर सकता हूं। मैं इसके लिए मेरे को मदद चाहिए, इसके लिए मेरे को मदद चाहिए। और ये मदद जो है, ये हमारे कार्यक्रम में जो हमसे पहले जो आए हैं वो उन्हीं से मिलता है, जो ऑलरेडी ये के बताए हुए जो रास्ता है उस पे जो ऑलरेडी चले हैं वो सिर्फ उन्हीं से मिलता है। मेरे लिए वो नया मार्ग होगा, मेरे लिए वो नया रास्ता होगा, और मैं गिर जाऊंगा, मैं फिसल जाऊंगा, ये सब होने की बहुत चांसेस हैं। और मेरे जैसा बेवड़ा को फिसलने का, गिरने का मतलब है फिर से वापस पीना, और वापस पीऊंगा तो मैं मरूंगा। मैं तो इसलिए मेरे को एक टीचर चाहिए, एक शिक्षक चाहिए, जो मेरे को सिखाए कि इस रास्ते पे कैसा चले बिना दारू का। दारू के साथ चलने के लिए मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि दारू मेरे को चलाता था, मैं दारू को नहीं चलाता था, दारू मेरे को चलाता था। लेकिन दारू के बिना जिंदगी को, जिंदगी के हिसाब से लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स जीना बहुत कठिन है। उसके लिए मेरे को एक शिक्षक चाहिए, एक गुरु चाहिए, जिसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं अपनी एक ही भाषा में। तो आध्यात्मिक मामलों में अकेला चलना खतरनाक है, बोलता है हमारे बिग 12 and 12। और आगे वही इसमें बोलता है वो, व्हेन वी आर हॉनेस्ट विद अनदर पर्सन, जब मैं एक अन्य व्यक्ति के साथ ईमानदार हूं, इट कन्फर्म्स दैट वी हैव बीन हॉनेस्ट विद आवरसेल्व्स एंड विद गॉड, बोलता है। ये पांचवां कदम है एक्चुअली। मैं एक अन्य व्यक्ति से ईमानदार हूं तो वो कंफर्म करता है कि मैं खुद से और ईश्वर से भी ईमानदार हूं, बोल के वो कंफर्म करता है। तो ये सब मेरे को सोच पे डालता है कि क्या मैं खुद पे खुद कर सकता हूं, या ये डेंजर से मेरे को बचना है, ये खतरनाक हो जाएगा मैं खुद जाऊंगा तो, या मेरे को ईमानदारी से
एक अन्य व्यक्ति के साथ मेरे सारा कहानी बांटना है क्या? तो ये इन सब का उत्तर जो है मेरे को मीटिंग में मिला। मैं मेरा जो भी सवाल है मैं मीटिंग में रखता था, बुजुर्गों ओल्ड टाइमर जो थे वो उसका जवाब दे। तो जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के 12 कदम करने के लिए बैठा था, अरे मेरा तो मैं बोलूंगा यार स्पॉन्सर के बिना ये प्रोग्राम हम कर सकते नहीं। स्पॉन्सर ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे स्पॉन्सर ड्रिवन प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्सर ड्रिवन प्रोग्राम बोलते हैं, स्पॉन्सर ड्रिवन प्रोग्राम टू रिकवर फ्रॉम अल्कोहलिज्म। बिना अल्कोहलिज्म शब्द से मेरे को स्पॉन्सर की आवश्यकता नहीं है। अल्कोहलिज्म के झकड़ से मेरे को निकालने के लिए के मेरे से आगे जो गैंग जो निकले हैं उनकी जरूरत है। फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन हमारे बिग बुक में बोलता है बी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस और मोर देन 100 मेन एंड वुमेन हु हैव रिकवर्ड, बोलता है हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम ए सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, बोलता है रिकवर्ड फ्रॉम ए सीमिंगली होपलेस स्टेट। और वो लोग अकेले नहीं किए, वो लोग खुद अपने अकेले अकेले नहीं किए, हर बंदा को एक स्पॉन्सर था। जैसे बिल डब्ल्यू को एबी ला के दिया, एबी बिल डब्ल्यू का स्पॉन्सर था, इसी तरह बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब को दे, बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब के स्पॉन्सर थे, इसी तरह वो आगे बढ़ता गया। तीसरा बंदा वो बिल्डी बना, बिल डॉटसन बने। तो ये सब स्पॉन्सर की मदद से, जैसे उन लोग का कार्यक्रम उस दिन पे था जो ऑक्सफर्ड ग्रुप के 6 टेनेट्स थे उन्हीं के हिसाब से वो लोग कार्यक्रम करे, और वही 6 टेनेट्स को बिल डब्ल्यू जी ने 12 कदम में बदला, उसी के आधार पे लिखा। और बिल डब्ल्यू जी स्वतः कहते हैं कि जब उन्होंने ये 12 कदम लिखने स्टार्ट किया वो बहुत कोशिश किए, करीब आधा दिन कोशिश किए, वो जो 6 टेनेट्स था ऑक्सफर्ड ग्रुप का उसको 12 कदम में परिवर्तन करने के लिए वो ट्राई किए, लेकिन नहीं हुआ। अंत में वो एक प्रार्थना करके अपने पलंग पे बैठ के थके अपने पीछे कमर के ऊपर लगा के वो लिखने बैठ गए। प्रार्थना करने के बाद वो कहते हैं कि द पेंसिल हैड ए माइंड ऑफ इट्स ओन, बोलता है वो जो पेंसिल से लिख रहे थे वो पेंसिल को एक दिमाग था, बोलते हैं। जब मैं पूरा लिख के गिनती किया उसमें 12 कदम थे, 12 कदम थे, बोलता है। तो दिस आर ऑल द हिस्ट्री। अभी ये जो हिस्ट्री है, ये ए के बारे में जो हिस्ट्री है, इसको कौन सिखाया मेरे को? ये के हिस्ट्री कुछ हद तक हम लोग मीटिंग में सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर हमको स्पॉन्सर ही बताता है ये के हिस्ट्री के बारे में भी, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, वो लोग कितना वाखा पड़े प्रोग्राम में स्टार्टिंग को, इसको आगे बढ़ाने के लिए कितना वाखा पड़े। अगर बिल डब्ल्यू खुद एक कार्यक्रम को अपने अंदर ही रख देता किसी को बांटे बिना, तो क्या होता, हम लोग सब मर जाए गए होते। यानी कि उन लोग क्यों आगे बढ़ाए, वो जो स्पॉन्सरशिप को क्यों आगे बढ़ाए, वो क्यों कार्यक्रम को दूसरों को वो फुकट में फ्री क्यों दिए, वो क्योंकि वो लोग भी जिंदा रह सकते हैं। बिल डब्ल्यू अपनी आज बिल सुलसित में लिखते हैं, वो मैंने डॉक्टर बॉब को संदेशा इसलिए ले गया कि मैं शराब की तलब से खुद को बचा सकूं, डॉक्टर बॉब को अच्छा करने के लिए मैंने नहीं गया। वो उसका रिजल्ट है, उस कार्याचरण का रिजल्ट है, लेकिन मैं खुद को बचाने के लिए मैं वहां पे गया, बोलते हैं। जब बिल डब्ल्यू को पीने की तलब जोर से आ जाती है तो सिस्टर इग्नेशिया को फोन करते हैं, वो सब ये सब हिस्ट्री जो है ये हम लोग सब जानते हैं। तो इवन टू कैरी द मैसेज फॉरवर्ड आई नीड समवन्स हेल्प,
मेरे को किसी एक बंदे की जो हमारे कार्यक्रम के अंदर है उनकी जरूरत है, वो मेरे स्पॉन्सर होता है। जैसे हम लोग सर्विस में भी हम लोग एक सर्विस स्पॉन्सर लेते हैं जो हमारी 12 ट्रेडिशंस और 12 कॉन्सेप्ट्स भी हमको सिखाते हैं। जिस तरह यहाँ पे रिकवरी में मेरे को 12 पायरी का महत्व और 12 पायरी कैसे करना है ये सब मेरे स्पॉन्सर सिखाए, इसी तरह वहां पे भी मेरे को एक दूसरा स्पॉन्सर है, वो मेरे को ग्रुप के अंदर ट्रेडिशंस को कैसा इस्तेमाल करना है, ये एज ए होल में हम लोग ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट को कैसा इस्तेमाल करते हैं, ये सब मेरे सर्विस स्पॉन्सर मेरे को देता है। मैं इतना ही कहूंगा सिर्फ इन वन लाइन, विदाउट द हेल्प ऑफ ए टीचर इन ए, स्पॉन्सर को मैं टीचर ही बोलता हूं, जो वो मेरे उपन्यासक हैं या शिक्षक हैं जो मेरे को सिखाते हैं कैसे जिंदगी को शराब के बिना खुशी से और आनंददायक से और एक यूजफुल दूसरों को मदद करते हुए मैं कैसे जी सकता हूँ। एक यूजफुल लाइफ आज मेरी है, एक यूजफुल लाइफ है। मैं रात को ड्यूटी करके आके सुबह 7 बजे सोया था, मैं 7 बजे रात को रिलीवर नहीं आया था, सेकंड शिफ्ट किया, फिर नाइट किया, सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी बची के बाद आके सोया था, तो करीब 4 घंटा 4:30 तो घर में भी छोटा मोटे काम थे, दूध लाना वो लाना वो सब करके बाद करने के बाद एक 4 घंटे का रेस्ट लिया। तो ये जो सेल्फ सैक्रिफाइस है, मेरे नींद को मैं आज त्याग करना पड़ा, मैं ये कोई महानता नहीं है, मेरी खुद की सोब्रिएटी के लिए मेरे को ये करना आवश्यक है। मैं कोई यहाँ पे आपके लिए ये नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को अच्छा करने के लिए कोई त्याग नहीं कर रहा हूं, मेरी नींद को मैं इसलिए त्याग किया ताकि इससे मेरे को फायदा मिले, इससे फायदा मिले। और ये तत्व जो है सेल्फ सैक्रिफाइस का, मैं कहां सीखा, मेरे स्पॉन्सर के द्वारा। ये एक काम के लिए कभी ना मत बोलना, अरे ये तो महंता ये है यार, एक तत्व है। मैं अपनी हमेशा मेरी स्वार्थ मेरी आत्म केंद्रित मन से मेरी कंफर्ट में मैं हमेशा जकड़ा हुआ था, मैं आज मैं उससे बाहर निकल के मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको निभा सक रहा हूँ, यूजफुल हूँ मैं दुनिया को, मैं यूजफुल हूँ ना ये के अंदर, बाहर भी, मेरे परिवार में भी, बाहर भी, समाज में भी, जितनी मेरे सामर्थ्य है, जितनी मेरी शक्ति है, उतना मैं यूजफुल हो सकता हूँ मैं। अभी ये 12 का कार्यक्रम करने के लिए स्पॉन्सर मदद कैसा कर सकता है, स्पॉन्सर कैसा मदद कर सकता है। दोस्तों मैं जब ये के अंदर आया, ये जो पहला पायरी है, शराब के सामने हम हतबल है, अरे मैं तो इसको एक 1000 बार पढ़ा हूं, तभी 1000 बार पढ़ा हूं वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल दैट आवर लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल को पढ़ा, हाँ मान लिया, लेकिन मेरे अंदर प्रश्न काया जा रहा था कैसा मैं पावरफुल पावरलेस हूं, अरे मैं तो 3-3 बोतल सुला देता हूँ, पी के सुला देता हूँ, 3-3 खंबे सुला देता हूँ, ऐसा बंदा पावरलेस कैसा हो सकता है। जो बंदा पी नहीं सकता है वो पावरलेस है, मैं तो शराब के सामने पावरफुल हूं, यही मेरी सोच थी पहले 3 महीने। बीमारी के बारे में बताने के बावजूद मैं क्यों ज्यादा पी रहा हूं, मेरे अंदर बीमारी है, इतना ही मेरे को सुनने को मिला था, हमारे अंदर एक बीमारी है, थोड़ा स्टार्ट करता हूं तो अंदर मेरी वो क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, फेनोमेना ऑफ क्रेविंग, मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी, ये सब मैंने भी सुना, मैंने भी उसको सीखा, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि मैं पावरलेस कैसा हूं। तो दोस्तों यहीं पे स्पॉन्सर काम आते थे, तो स्पॉन्सर मेरे को वी एग्नोस्टिक्स, हम आग्नेयवादी जो चैप्टर है वहां ले गए, मेरे को वहां ले गए और वहां
जो प्रश्न है वो प्रश्न का प्रश्न वो सवाल जो है वो मेरे से पूछे, उसके बाद ही मैं शराब के सामने हतबल हो के 100% माना मैं। तो वो प्रश्न क्या था, व्हेन वी हॉनेस्टली वांटेड टू, ईमानदारी से चाहते हुए भी, क्या आप संपूर्ण रीति से शराब को बंद किए? तो मेरा जैसे ही उन्होंने ये सवाल पूछा, मेरी खुद की अनुभव, ईमानदारी से चाहते हुए भी 13 बार हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हूं और 13वां बार भी बाहर निकलता हूं तो 1.5 साल के बाद फिर से पी लेता हूं। सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का बोर्डिंग होल्डिंग जो है, एक सिग्नल में खड़ा हूं गाड़ी में, वहां पे एक सिग्नल में बड़ा सा ये है, वहां पे देखता हूं कि ग्रीन किंग फिशर बोल के एक 3 बियर का एडवर्टाइजमेंट डाला है, ग्रीन किंग फिशर बोल के। जैसे ही उसको देखा, मेरे दिमाग में एक ही सोच आता है, मैंने इस ग्रीन किंग फिशर टिन को नहीं पिया, 20 मिनट के अंदर जाके मैं पी लेता हूं। तो मैं यहां मेरी अनुभव ये शेयर कर रहा हूं कि शराब पीने में मैं पावरफुल हूं, हां, लेकिन शराब को रोकने के लिए चाहते हुए भी ईमानदारी से मैं शराब को संपूर्ण तौर से मैं उसको बंद नहीं कर सकता था। हालांकि मेरे शराब से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरा काम चला गया, एयरफोर्स से मैं निकाला गया, कोर्ट मार्शल किया, 28 दिन जेल में था मैं, इसके बावजूद भी मैं फिर से पीता हूं। तो ये जो प्रश्न है, ईमानदारी से चाहते हुए भी हमने क्या शराब को संपूर्ण रीति से बंद किया, मेरी अनुभव बताया था, मैं बोला नहीं। और उसके बाद वो दूसरा प्रश्न पूछते हैं, जब पीते थे यानी कि व्हाइल ड्रिंकिंग, व्हेन ड्रिंकिंग, वेर यू एबल टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ अल्कोहल यू आर ड्रिंकिंग, क्या आप शराब पीने के टाइम पे क्या आप नियंत्रित रूप से या नियंत्रण करके आप शराब पी सकते थे? अरे बाप, मैं तो इसको आंसर उत्तर फट बोल के दिया, नहीं। मैं 2 पैक पीने के लिए जाता था, 2 बॉटल पी के आता था, 1 क्वार्टर पीने के लिए पैसा इतना ही डाल के जाता था, लेकिन वापस आने के टाइम में पूरा टुन हो के आता हूं। साथ में 200 रुपए पैसे भी जेब में रहता है। इतना चतुर इतना चालाक, बिना पैसे भी होल्ड टाइट होने की, टुन होने की मेरी अंदर क्षमता है। मैं उसके लिए झूठ बोलता हूं, कुछ भी करने के लिए तैयार होता हूं, कुछ भी करने के लिए, शराब पीने के लिए, टुन होने के लिए, मैं कुछ भी करने के लिए। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, शराब के सामने मेरी हतबलता मानने के लिए भी मेरे स्पॉन्सर की मुझे जरूरत थी। अगर वो मेरी ये हतबलता क्विट करने में, नाम है अपने सामर्थ्य से, अपने ईमानदारी से, मेरी शक्ति से मैं उसको बंद नहीं कर सकता था, या मैं ना मैं उसका नियंत्रण कर सकता था, कंट्रोल करके पी सकता था। ये दोनों की हतबलता जो है, उन्होंने मेरे को मेरे स्पॉन्सर ही दिखाया, यू आर प्रॉबली एन alcoholic बोलता है। उसके बाद ये जो प्रश्न के बाद वो बोलते हैं कि अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप alcoholic हैं बोलता है। तो ये सब लिटरेचर में जो है, सिर्फ ना दिखाना मेरे को, उसका अर्थ समझाना, उसका मतलब समझाना, ये स्पॉन्सर से मेरे को मिलता है। मैं उस डायग्नोस्टिक्स चैप्टर को 5 बार पढ़ा था उस टाइम पे, लेकिन ये समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ, उसको न्यूज़पेपर की तरह पढ़ के आगे जा रहा हूं मैं। स्पॉन्सर पूछते पढ़ लिया, मैं बोलता पढ़ लिया, समझ लिया, बोला नहीं, हाँ समझ लिया, आधा आधा आधा, 50-50। वो बोलते डोंट रीड दी बिग बुक, स्टडी दी बिग बुक, बोलते एक ही पेज पढ़ना एक दिन में, बोले। तो उसके बाद उनके साथ में वो केयरफुली रीडिंग अलग बोलते हैं, वो
उनको पता है बेवड़ा कभी केयरफुली रीडिंग करने करता है, वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है। तो ये सब जो है ये सब स्पॉन्सर की मदद से ही होता है, पहला कदम से, दूसरा कदम है, हमसे बड़ी ऊंची शक्ति। अरे यार इतना कंफ्यूज था मैं ऊंची शक्ति के बारे में, क्योंकि मैं ऑलरेडी भगवान मानने से इनकार करके भगवान को लात मार के मेरी जिंदगी से हटा दिया था। मैं बोला भगवान ही मेरे को बेवड़ा बनाया, उसी को खोस रहा था मैं। और ये जो हायर पावर कॉन्सेप्ट है, मैं कहता हूँ अधिकतम लोग आज भी जो नए बंदे हैं इसमें बहुत फंसे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं। ये हमारी फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको ये हायर पावर कॉन्सेप्ट समझा सकें, जैसे कि मेरे स्पॉन्सर मेरे को समझाए। क्योंकि मेरे पास भगवान के बारे में कोई भरोसा विश्वास नहीं था, मैं एक डिसबिलीवर बन गया। नास्तिक तो नहीं मैं कहूंगा मैं अपने आप को, मैं एक एग्नोस्टिक था। मैं एग्नोस्टिक का मतलब, वो एक लैटिन वर्ड बोले मेरे को मेरे स्पॉन्सर, एग का मतलब विदाउट, नास्टिक का मतलब नॉलेज, विदाउट नॉलेज ऑफ व्हाट, विदाउट नॉलेज ऑफ गॉड। द नॉलेज विच वॉज इन मी वॉज नॉट अबाउट माई ओन गॉड, इट वॉज ए गॉड गिवन टू बी माई बाय माई मदर फादर एंड सोसाइटी। एक ईश्वर जिसको मेरे माता पिता मेरे समाज ने दिया, उसी ईश्वर को मैं मान रहा था, उसी भगवान को मान रहा था मैं, और उसी भगवान के ऊपर मेरे को खुन्नस आ गया, और उसी भगवान को मैंने लात मार के मेरी जिंदगी से निकाल दिया। वो मेरे खुद के भगवान नहीं थे वो। ये मेरे को किसने समझाया? मेरे स्पॉन्सर समझाया। और हायर पावर का कॉन्सेप्ट बहुत खूब दिखाया मेरे को वो भी एग्नोस्टिक्स में, वो पेज नंबर 55 में दिखाता है, वी मे बी फाउंड ओनली देयर बोलता है, हमारे भीतर ही वो भगवान को हम खोज सकते हैं बोलता है। ये सब वो दिखाया मेरे को। और हायर पावर किसको लेना है वो भी सिखाया। वो एक बोले हायर पावर मेरी से जो ऊंची शक्ति है वो चिरंजीवी होना चाहिए बोले। मैं तब तक कुछ मीटिंग में, ये फैन को हायर पावर ले लो, ये बल्ब को हायर पावर ले लो, ये कबोर्ड को हायर पावर ले, ये सब चुना मैं भी, काम नहीं करता है वो, क्योंकि मैं फैन के नीचे बैठ के पीने वाला बंदा मैं। ओ एक बंदा तो बोला था मेरा बिग बुक मेरा हायर पावर है, तो दूसरा एक ने शेयर किया था, मैं बार में बिग बुक लेके, मेरे को 10 साल पहले ये मिला का मैसेज मिला था, मैं बिग बुक को ले जाके बीर में बार में बैठ के पीता, पढ़ते पढ़ते पीता बोल। तो उन्होंने इसका एक अलग अर्थ सिखाया मेरे को कि स्पॉन्सर ये हायर पावर जो है ये हमसे बड़ी एक चिरंजीव शक्ति होना चाहिए। मेरे जैसे हजारों मर जाएंगे लेकिन उसको स्थिर रहना है, बिना मृत्यु के उसको स्थिर रहना है। और उन्होंने उनके हायर पावर के बारे में बताया और मैंने मेरे हायर पावर को, क्योंकि मैं भगवान को ना मानता था मैं, तो मैंने कल जो सूर्य ग्रहण हुआ उसी सूर्य देव को, उसी सूरज को मैंने अपना हायर पावर लिया था। तो ये छोटा छोटा ये है, छोटा है लेकिन ये हमारी जिंदगी में बड़ी फर्क लाता है, इट ब्रिंग्स ए ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। स्टार्टिंग में मेरे को बोले कि ग्रुप को ही ले लो, मैंने ग्रुप को ही लिया, लेकिन थोड़े ही दिन में ग्रुप के ऊपर भी खुन्नस आने लगा, ग्रुप के बंदों के अंदर खुन्नस आने लगा। बिग बुक में कहता है कि 3 पर्टिनेंट आइडियाज में कि नो ह्यूमन पावर कुड रिलीव अस ऑफ आवर अल्कोहलिज्म, कोई भी इंसान हमको शराबियत से छुड़ा नहीं सकता है। तो फिर ये ग्रुप ऑफ ड्रंक्स जो है, ये जो मीटिंग के अंदर जो ग्रुप ऑफ ड्रंक्स है ये भी इंसान है, तो ये मेरे को क्या बचा पाएंगे? फिर से मेरे को टेढ़ा सोचने का आ गया, फिर से मेरी इंसैनिटी वापस आ गई। तो ये सब मेरे इंसैनिटी का प्रश्न जो है उसको सीधा जवाब मेरे को स्पॉन्सर से ही मिलता है, स्पॉन्सर से ही मिलता है। तो इसीलिए वो बोले कि तेरा जो हायर पावर है वो निरंतर रहना चाहिए, वो चिरंजीव होना चाहिए, इट शुड बी एन एटर्नल पावर बोले, वो एटर्नल पावर। आज वो हायर पावर जो है मेरा, वो जो सूरज को मैं हायर पावर जो मानता हूँ, ये फेथ से मानता हूँ मैं,
श्रद्धा से, उनके ऊपर इतना श्रद्धा है, इतना श्रद्धा है। कल कल हम लोग बात कर रहे थे, ये बंदे कुछ लोग, 3 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर रहे थे, उसमें दो मेरे स्पॉन्सी भी थे उसमें। तो एक स्पॉन्सी मेरे को पूछा, मेरे को, सर आपका हायर पावर को आज ग्रहण लग गया। वो ऐसे ही पूछा मेरे को, सर आपका हायर पावर का आज ग्रहण लग गया। तो तुरंत मैंने उनको बोला, नहीं आज वो सर्विसिंग कर रहे हैं, ओवरऑलिंग कर रहे हैं, वो आज ओवरऑलिंग कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग सर्विसिंग करते हैं अपने गाड़ी को, इसी तरह वो भी सर्विसिंग कर रहे हैं। वो उनके अंदर जो भी वो काला है, वो सब मिला, काला ये है वो सब निकाल रहे हैं वो, इसी को हम भी करना है बोला मैं। वही हमारा इन्वेंट्री होता है, हमारे अंदर जो काले करतूते हैं, मेरी अंधकार में अतीत है, ये सब मेरे को भी निकालना है। और यहाँ पे भी स्पॉन्सर की जरूरत बहुत है मेरे को, बहुत है, बहुत है। तो दूसरा कदम में मेरे को ऊंचे शक्ति कौन है बोल के दिखाने वाले, और साथ में मेरी इच्छा की, मेरी पसंद की ऊंची शक्ति लेने में मदद किए मेरे स्पॉन्सर। तीसरा कदम है मेरी इच्छा और मेरी जिंदगी को, मेरी जीवन को, मेरी समझा हुआ भगवान को समर्पित करने के लिए, सरेंडर करने के लिए हम लोग निर्णय लेते हैं। मेरे पास तो भगवान ही नहीं था, मैं तो भगवान को समझा ही नहीं था वहां पे, मेरे पास हायर पावर ही था। तो माई स्पॉन्सर टोल्ड मी, यू सरेंडर योर सेल्फ टू योर हायर पावर, निर्णय लो बस। निर्णय से काम भी नहीं चलता, साथ में वो भी बोले निर्णय निर्णय ही होता है। हम लोग कितने लाखों बार शराब छोड़ने के निर्णय लिए, यहाँ पे भी वही है बोले वो। आप निर्णय लेने के बावजूद आप, आपकी इच्छा और आपकी जिंदगी को आप पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पाओगे, वो खुला बोले मेरे को। मैंने बोला क्यों, बोला आगे देखो, पढ़ो तुम, क्योंकि उसके अंदर बहुत से रुकावटें थी। निर्णय लेने के बावजूद मैं खुद, मेरे अंदर मेरे दिमाग पूरा खुन्नस से, डर से, अपराध भाव से, अन्य हानियों से भरा हुआ था। हायर पावर मेरे मन अंदर है बोले, लेकिन उस हायर पावर को मैं मेरे रिजेंटमेंट से, मेरे फियर से, मेरी गिल्ट से, मेरी अदर हार्म से, उसको ऊपर से वो सब भर के अंदर उसको डुबा दिया हूं, मेरे हायर पावर को। तो हायर पावर कहां से काम करेगा, कहां से काम करेगा, जहां पे सिर्फ मेरा खुन्नस ही मेरा दिमाग चला रहा है, डर ही मेरा दिमाग चला रहा है, मेरे अपराध भाव ही मेरे सर के पूरा भरा हुआ है। तो वहां ईश्वर की कृपा कहां से आएगी। हाँ, मीटिंग में जाता हूं तो 1 घंटा वहां पे ग्रुप में, टू और मोर आर ज्वाइन टुगेदर देयर गॉड एग्जिस्ट बोलते हैं, दो से ज्यादा जहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां ईश्वर होता है बोले, 100%। लेकिन जब मैं अकेला होता हूं, मेरी संपर्क कट जाती है, खुद की इच्छा वापस आ जाती है, मेरी रिजेंटमेंट, मेरी डर, मेरी अपराध भाव। अरे अपराध भाव तो मेरे को इतना मार रहा था, इतना मार रहा था, रिजेंटमेंट मेरे को वापस पिलाने की ये कर रहा था। अरे मैं तो अधिकतम ज्यादा इसलिए पिया कि मेरा जो गिल्ट है, मेरी जो अपराध भाव है, मेरे जो अंधकार में अतीत है, खास करके मेरे सेक्स के जो गिल्ट है, वो मेरे को खाया जा रहा था, वो मेरे को अंदर छुपा रहा था, ना पी सकता, ना मर सकता, ना जिंदा रह सकता। इसलिए उसको भूलने के लिए मैं ज्यादा 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 और ज्यादा पीने शुरू हो गया। वी ड्रैंक टू ओब्लिवियन बोलता है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म है, वी ड्रैंक टू ओब्लिवियन, जब तक तुम ना हो जाऊं, जब तक पूरा दुनिया के बारे में भूल ना जाऊं, तब तक पी रहा था, इतना पी रहा था मैं। तो यहां पे भी उन्होंने मेरे को मदद किए, प्रोग्राम हमारे फाउंडर्स लोग जैसे लिखे थे, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, वो सिखाए मेरे को, साथ में उनके अनुभव को भी वो मेरे सामने पेश किए। और कैसे मेरे को इन्वेंटरी करना है, कैसे मेरे को इन्वेंटरी कर, हम लोग क्या करते हैं, बिग बुक में जो 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम ही इन्वेंटरी समझते हैं हम, लेकिन उसके बाद 2 कॉलम है हमने कभी देखा नहीं।
हमने कभी देखा नहीं। तीन कॉलम में, पहला कॉलम में किसके ऊपर मेरे को खुलना चाहिए, दूसरा में मेरे को कारण क्या है, तीसरा में वो मेरे को कैसे प्रभावित करता है, हाउ इट अफेक्ट्स माई, हम ये तीन में ही हो जाते हैं। लेकिन बिग बुक को हम पढ़ेंगे स्पॉन्सर की मदद से, वहां पे वो दिखाता है कि वेयर वॉज आई रॉन्ग, मेरी गलती क्या है, वहां रहता है और उसको बोलता है, उसके सामने डाल बोलता है, वो पुट इट बिफोर आर नेम्स बोलता है, और मैं किस कैरेक्टर डिफेक्ट को इस्तेमाल किया था, कौन सा कैरेक्टर डिफेक्ट को इस्तेमाल किया था, क्या मैं स्वार्थी था, मैं क्या मैं आत्म केंद्रित था, क्या मैं बेईमान था, क्या मैं डर से भरा हुआ था, और सेक्स के इन्वेंट्री में खास करके वहां पे एक नया कैरेक्टर डिफेक्ट, इनकंसिडरेट बोलता है, अमानवीयता, अमानवीयता, अरे मैं तो इतना अमानवीयता से परेशान था, दुनिया के कोई इंसान को इंसान नहीं समझता मैं, उनके ऊपर हमेशा मेरी डोमिनेशन, हमेशा मेरी डोमिनेशन, मैं जैसे बोलता हूं उनको ऐसा सुनना चाहिए, मैं जैसे बोलता हूं वैसे वो लोग कपड़ा पहनना चाहिए, उनके जिंदगी बेहतर होने के लिए मैं जो बोलता हूं वो सही है, यानी कि मैं दूसरों के जिंदगी में और खुद की जिंदगी में भगवान बन गया था मैं। हम लोग अक्सर ये में सुनते हैं, ये उसके लिए काम करता है जो ईश्वर के बारे में नहीं जानता है, ये उसके लिए काम करता है जो भगवान को मानता है, और जो ये जो खुद को भगवान मानता है उसको ये काम नहीं करता है। मैं तो कहूंगा, ये मेरी खुद की अभिप्राय है, ये सिर्फ उसके लिए ही काम करता है जो अपने आप को भगवान समझता था, शराब पी के वो उसी को काम करता है ना, बाकी को तो ऑटोमेटिकली काम करता है, बाकी को ऑटोमेटिक जो भगवान के बारे में मानता है, जो भगवान के बारे में नहीं मानता है नास्तिक जो, उसको भी काम करता है। लेकिन ज्यादातर ए रियल अल्कोहलिक इज द वन हु हैज बिकम ए गॉड, मेरी खुद की ये है, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर ए एज ए होल, दिस इज माई ओपिनियन, यू मे टेक इट और लीव इट, ये आपकी चॉइस है। मेरे जैसा बेवड़ा खुद की जिंदगी में मैं अपने आप को भगवान समझता था और दूसरों के जिंदगी को चला रहा था, तो ये सब किसने दिखाया मेरे को, मैं खुद सीखा नहीं, मैं तो मेरी सेल्फ अप्रेजल कर रहा था, सेल्फ अप्रेजल, अरे मैं बहुत सही हूं, बस ज्यादा पी रहा हूं उसको कम कर लूंगा, अरे छोटी सी चोरी की थी, छोटी सी गलत बात की थी, छोटी सी पाप किया हूं, दूसरों को हमेशा तुलना करता था, अरे पॉलिटिशियंस इतना इतना रिश्ता रिश्वत ले रहे हैं, मैं तो सिर्फ 20 रुपए लिया, मैं तो 10 रुपए चोरी किया, हमेशा तुलना करके मैं मेरी समर्थन देता था, मैं अपने आप को बड़ा समझता था, लेकिन मैं कैसा इंसान हूं बोल के ईमानदार से इन्वेंट्री को कैसा करना है मेरे को सिखा के मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को दिखाए, बोले बेटा अभी तू पढ़, तू क्या है, जब मैं अपने आप को मेरे इन्वेंट्री में देखा तो मैं खुद मेरा मुंह को मेरे आईने में मैं अपनी सूरत को नहीं देख सकता था, इतना गंदा लगा मेरे को, इतना गंदा लगा, समय भी हो रहा है दोस्तों, तो ऐसी हालत में था, स्पॉन्सर की जरूरत ये में क्यों है, क्योंकि स्पॉन्सर मेरे को वो जो आध्यात्मिक जागृति है, आध्यात्मिक अनुभव है, उसको मेरे अंदर लाने के लिए वो 12 कदमों के हमको सिखा के उसको पाने के लिए मेरे को मदद करते हैं, ही हेल्प्स अस टू अचीव आवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उनकी मदद के बिना क्या मैं खुद को ये कर सकता हूं, 100% नहीं कर सकता हूं, 100% मैं तो इतना गारंटी से बोल सकता हूं, स्पॉन्सर के बिना मैं कार्यक्रम को खुद कर नहीं सकता। हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिज्म, इज्म का मतलब आई स्पॉन्सर माई सेल्फ बोलते, हम लोग मीटिंग में सुनते हैं,
लेकिन मेरे स्पॉन्सर इसका एक नया अर्थ दिया मेरे को। आईएसएम का मतलब इनर स्पिरिचुअल मैलेडी बोलते हो, मेरे अंदरूनी आध्यात्मिक बीमारी जो है वो इतना भयंकर है, मैं किसी को मेरे जिंदगी में शामिल होने नहीं देता हूं। मेरी व्यक्तिगत संबंध से लेके, मेरी डर से लेके, मेरी निष्प्रयोजकता से लेके, मैं किसी को चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता था। ऐसी हालत में था, शराब के बिना, शराब पी के कर सकता था वो सब, लेकिन आज शराब के बिना ये सब कर सकता हूँ। आज मेरी व्यक्तिगत रिलेशनशिप से लेके, आज डर से लेके, आज ये जो चाहते हुए भी दूसरों को मदद करने से लेके, ये सब जो अनमैनेजेबिलिटीज जो पहला कदम में मेरे को दिखाया मेरे स्पॉन्सर पेज नंबर 52 में, आज उन सब से मैं बाहर निकल रहा हूँ, एक दिन के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से। तो हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दी स्टेप्स, इन कदमों की वजह से जो आध्यात्मिक जागृति हमने पाई बोलता, तो ये जो आध्यात्मिक जागृति पाने के लिए मेरे को स्पॉन्सर की जरूरत चाहिए ही। विदाउट ए स्पॉन्सर यू कैन कॉल हिम व्हाट एवर यू वांट, यू कैन कॉल हिम एज अ फ्रेंड, यू कैन कॉल हिम एज अ फ्रेंड। तो मेरे जो स्पॉन्सर थे, ये मेरे को जो 12 कदम सिखाने वाले, पहले मेरे स्टार्टिंग में वो एक स्पॉन्सर थे, उसके बाद मैंने तीसरा साल में मैंने स्पॉन्सर बदला, उनका एक ही कंडीशन था कि आप 12 पायरी करोगे तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। उनको मैंने जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में मिला, मैं डेलीगेट बन के गया, वो 30 साल के सोबरिटी के बाद वो डेलीगेट बन गया। तो वहां से मेरी रियल यात्रा स्टार्ट हुई, सचमुच यात्रा, जो रियल प्रोग्राम जो है 12 कदम, जैसे बिग बुक में लिखा है, उससे पहले जो किया था वो उस स्पॉन्सर के हिसाब से किया था, लेकिन यहां पे जैसे बिग बुक में जो निर्देशन, द प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं, उसके हिसाब से वो लोग मेरे को करवाए, वही मैं आज दूसरे स्पॉन्सर के बाद 2017 में मेरे स्पॉन्सर के आत्मा भगवान शांति प्रसाद करें वो गुजर गए, तो उसके बाद करीब 6 महीना मैं स्पॉन्सर के बिना था। मैं तब ईश्वर ने ही मेरे को और एक स्पॉन्सर भेजे, मेरे पसंदीदा भगवान जो है, गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग जो बोलते हैं, वो समझा हुआ भगवान के नाम से एक ए मेंबर आया मेरे पास। वो खुद आके बोले कि लोकेश तू अभी स्पॉन्सर के बिना जी रहा है, तू ए से थोड़ा खटा हुआ है, तू एक काम कर, किसी को स्पॉन्सर ले। तो मैंने तुरंत बोला आप क्यों मेरे स्पॉन्सर नहीं बनोगे, वो बोले हाँ तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी एक ही कंडीशन है, 12 कदम करो। तो दोस्तों उनके पास भी मैंने 12 कदम ईमानदारी से किया। अभी अंत में मैं एक ही बात बोलूंगा, स्पॉन्सर की जरूरत ये 12 पायरी में पूरा तो होता ही है, लेकिन 5वां कदम में 100% मेरे को एक स्पॉन्सर चाहिए। हाँ, कुछ लोग, हम लोग रिलीजियस फादर के पास, धर्म गुरुओं के पास, साइकेट्रिस्ट के पास कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ करूंगे, हमारे एक ही बंदे उनके साथ, अगर एक ही स्पॉन्सर के साथ करूंगा तो मेरे को फायदा है कि मेरे को उससे कुछ सुझाव मिलते हैं, उनके अनुभव की कथन भी मैं सुन सकता हूँ, उनके अनुभव भी मैं सुन सकता हूँ। अगर मेरे स्पॉन्सर उनका अनुभव मेरे को नहीं बताते तो मैं 5वां स्टेप ईमानदारी से खुला होकर 100% नहीं करता। मैं दूसरी 9वां स्टेप में अमेंड जब करते हैं हम, वहां पे तो स्पॉन्सर की आवश्यकता फिर से 100% हो जाती है, वरना मैं जो अमेंड्स करता हूँ वो डायरेक्ट अमेंड्स, इनडायरेक्ट अमेंड्स की फर्क हमको, हम नहीं जानते हैं, अमेंड करके ज्यादातर और हानि पहुंचा देते हैं, हमसे और हानि पहुंचा देते हैं। लेकिन इस बार, दूसरा बार, तीसरा बार मैं मेरे स्पॉन्सर ने वहां पे कैसे जाना है, क्या बात करना है, ये पूरा मेरे को, एक चिड़िया को जिस तरह सिखाते हैं बोलने की, इसी तरह मेरे को सिखा के भेजे। और
मेरी जो अमेंड्स है वो 100% सक्सेसफुल था, बट व्हेन आई डिड इट द फर्स्ट टाइम माय रिलेशनशिप वाज फुल्ली बैंकरप्ट। मैं जिसको इन्वेंटरी में लिखा था और उसको अमेंड्स मैंने डायरेक्टली कर लिया था। तो दोस्तों स्पॉन्सर की आवश्यकता 1-12 पाए में अत्यावश्यक है, एब्सोल्यूट बोलूंगा, मैं एब्सोल्यूट बोलूंगा। तो एक लास्ट छिटका, वन लास्ट सजेशन आई वुड कॉल इट, ये के अंदर जो भी हमारे नए बंदे आए हुए हैं, आज जो भी मीटिंग में जुड़े हैं, आप 12 स्टेप्स लिए हैं, कर रहे हैं, मीटिंग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये सब मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूंगा, एक पहला एक स्पॉन्सर को लो आप, वो स्टेप्स किया है नहीं किया है वो सब बाद में देखो, वो सब बाद में देखो, आप पहला एक स्पॉन्सर को चुन लीजिए जो आपको शराब से दूर रहने की मदद कर सके, बस इतना ही है। वो स्टेप्स किया है नहीं किया है वो सब बाद में, अगर नहीं किया है तो बाद में बदल सकते हैं हम लोग, जो स्टेप्स किया है उनके साथ फिर से जा सकते हैं। लेकिन आज भी वो जो पहला स्पॉन्सर मेरा था वो आज भी है, आज भी मेरे को कुछ समस्या हुआ तो मैं लोकल है वो, इसलिए मैं उनसे भी कभी कभी ये सजेशंस लेता हूं, मैं उनको छोड़ा नहीं, मैं वो है आज भी है, आज भी है, आज भी वो मेरे गुरु ही है। लेकिन स्टेप्स के लिए मैंने दूसरों को लिया, सर्विस के लिए और एक स्पॉन्सर है मेरे पास। अब जो मेरे स्पॉन्सर हैं करंट स्पॉन्सर हैं, वो तीनों लेगेसी के मास्टर हैं, मैं बोलूंगा टीचर हैं वो, तीनों लेगेसी रिकवरी यूनिटी एंड सर्विस, हमारे 36 जो सिद्धांत है ये के, उन सब के गुरु हैं। तो आज मेरे पास जो स्पॉन्सर है, मेरे पसंदीदा भगवान के नाम से आए हुए जो स्पॉन्सर है, उनसे मैं तीनों लेगेसीज में, तीनों इसमें मैं उनकी मदद लेता हूं। आज एक दिन के हिसाब से मेरी जिंदगी खुशहाल है, आनंद है और उपयुक्त है, यूजफुल है। मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं कि द गाय हु वाज यूजलेस, लेकिन आज जिंदगी एक दिन के हिसाब से बेहतर और बेहतर और बेहतर होती है आध्यात्मिक कार्यक्रम की प्रगति से, जो मेरे स्पॉन्सर की मदद से और आप सब भाई लोगों की अनुभव से मैं सीखता हूं, क्या करना भी सीखता हूं, क्या नहीं भी करना सीखता हूं। ज्यादातर क्या नहीं करना है उसको मैं मेरे स्पॉन्सियों से सीखता हूं। अरे मेरा तो एक स्पॉन्सी है, इतना ह्यूमिलिटी है उसमें, मेरे पास भी नहीं है इतना ह्यूमिलिटी है। तो कुछ हम लोग स्पॉन्सर से भी सीखते हैं, कुछ हम लोग स्पॉन्सियों से भी सीखते हैं। तो ये जो लेगेसी ऑफ स्पॉन्सरशिप है, ये एफबी से लेकर आज तक चलते आ रहा है और हम इसको आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी मेरा है। तो ये बोल के मैं मेरी शेयरिंग समाप्त करता हूं। दोस्तों बहुत कुछ बोलने के लिए मैं लिखे लाया था, लेकिन कुछ भी ले ले खाने, बस वो दो पड़ा था, क्यों, वो जो डेंजर खतरनाक है आध्यात्मिक मामले में अकेला चलना खतरनाक है। जब तक मैं दूसरा इंसान के साथ ईमानदारी से नहीं रहता हूं, तब तक मैं खुद से और ईश्वर से भी ईमानदार नहीं रह पाऊंगा। तो मेरे को ये जो अन्य व्यक्ति है वो मेरे को चाहिए ही। तो ये बोल के मेरी शेयरिंग समाप्त करता हूं। दोस्तों आप सबने बहुत पेशेंस से सुना, आप सबको मेरी बहुत 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 कृतज्ञता है। थैंक यू, ये ऑलवेज अलर्ट ए ग्रुप, ऑनलाइन ग्रुप, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।